नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मधून संवाद साधला. पंतप्रधान पदाला मोदींच्या 7 वर्ष पूर्ण झाली. प्राणवायूची वाहतूक करणाऱ्यांशी मोदींचा संवाद. दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूची मागणी वाढली. देशात ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं काम सुरू असल्याचंही मोदींनी मन की बात मध्ये सांगितलं. मागच्या 100 वर्षातील ही सर्वात मोठी महामारी आहे. प्राणवायूच्या पुरवठ्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे असंही मोदी म्हणाले. प्राणवायूची वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांशी त्यांनी आज संवाद साधला. चक्रीवादळाचा मोठा फटका वेगवेगळ्या राज्यांना बसला आहे. तोतके याच चक्रीवादळाचा फटका, त्या संदर्भातही मन की बात मध्ये मोदींनी उल्लेख केला. मन की बात मधून प्राणवायूची वाहतूक करणाऱ्यांशी मोदींनी संवाद साधला. देशात ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं काम वेगात सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मागच्या 100 वर्षातील सर्वात मोठी महामारी असल्याचंही मोदी म्हणाले. जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है, पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा? सर, हमें कोई चिंता नहीं होता. हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी, वो हम टाइम पे लेके अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है. बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना. साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूँ. जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है. मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ.